वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया अपने शुरुआती वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी आखिरी चार मुकाबले लगातार हार चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे इस टूर्नामेंट में अभी तो सारी टीमें दो दो मुकाबले खेले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया चार कैसे, तो चार मुकाबले इस साल नहीं 2019 के वर्ल्ड कप के आखिरी दो मुकाबले ऑस्ट्रेलिया गवा चुकी है और इस वर्ल्ड कप के भी शुरुआती दो मुकाबले गवा चुकी है। तो ऐसे में अगर वर्ल्ड कप में लगातार चार मुकाबले ऑस्ट्रेलिया हार चुके हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद अगर बात करें तो 1992 के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने शुरुआती लगातार दो मुकाबले पहली बार हारे हैं, 1992 में ऐसा हुआ था। लेकिन उससे पहले हम अपने सारे दर्शकों को अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूँ। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दो मुकाबले हारने के बाद अभी साउथ अफ्रीका का माइंडसेट भी टॉप पर है और माइनस में ऑस्ट्रेलिया का राउंड रेट चल रहा है। और दोनों मुकाबले में देखा जाए तरीके तो पहले मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया 200 बनाने में नाकामयाब रही और इस मुकाबले में भी 200 रन बनाने में नाकामयाब रही। जबकि बैटिंग की डेप्थ देखें तो 10-11 नंबर तक बल्लेबाज दिखते हैं। एक तरीके से एडम जंपा भी सिंगल डबल खेल लेते हैं, हमने देखा था पिछले भारत के अगेंस्ट में उनको, तो वो सिंगल डबल खेल लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टीम कहीं ना कहीं लेकर अपनी बल्लेबाजी को लेकर संघर्ष करती नजर आ रही है। गेंदबाजी कुल मिलाकर ठीक कहा जा सकता है, हालांकि कल बहुत मार पड़ी उनके, लेकिन गेंदबाजी मिला जुला कर सही बोल सकते हैं। भारत के अगेंस्ट तो उनकी गेंदबाजी निखर के आई थी, हालांकि राहुल और विराट का वो पार्टनरशिप मैच को दूर लेकर गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप की विजेता टीम है और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में वो धार नजर नहीं आ रही थी। इसलिए हमने शुरू में भी बोला था कि ऑस्ट्रेलिया टीम का क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं इस दो मुकाबले के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाकी के सात मुकाबले और एक टीम कमबैक करना करती है और ऑस्ट्रेलिया कमबैक के लिए जानी जाती है। और आगे का मुकाबला, अगला मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो श्रीलंका के अगेंस्ट हो, तो अगर श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाएगी तो थोड़ा माइंडसेट ऊपर आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन श्रीलंका भी आसान टीम नहीं होने वाली है, एशिया में उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अपना श्रीलंका भी दो मुकाबले हार चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो अगला मुकाबला जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाला है, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला होने वाला है, उस मुकाबले में एक तरीके से बता दें हम आपको तो बहुत शानदार मुकाबला होगा, क्योंकि यह चेन्नई के मैदान पर होगा और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर हैं, तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं और लो स्कोरिंग ग्राउंड है। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत फंसेगी, यहाँ पे न्यूजीलैंड फंसने वाली है थोड़ा बहुत। हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड मुकाबला हार जाएगी, बांग्लादेश न्यूजीलैंड से वीक ही टीम है, लेकिन स्पिन ट्रैक मिलते ही बांग्लादेश थोड़ा सा और ऊपर स्तर की क्रिकेट खेलने लगती है। हमने देखा वो स्पिन ट्रैक पर ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी टीम को भी हरा चुकी है। तो अगर इससे पहले हम फिर से वापस उस मुकाबले के बाद पर आते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीका और उसमें पहले बल्लेबाजी कर रही थी अफ्रीका और क्विंटन डिकॉक के शतक, एडन मार्करम शायद और शतक, इन दोनों के शतक और अर्धशतक के मदद से शुरुआती पार्टनरशिप भी अच्छी होती है। पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी सजा रही है, 35 जड़ते हैं, हालांकि गेंदे अधिक लेते हैं, 55 गेंदों में 35 रन बनाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी शुरुआत भी अच्छी रहती है। क्विंटन डिकॉक एक तरफ अटैक कर रहे थे, सेकेंड रोल में फील्डर कर रहे थे ये टेम्बा बम्बा, उसके बाद राशि वंडरसन भी अच्छी पार्टनरशिप करके जाते हैं, ये नहीं उनका स्कोर ज्यादा नहीं है तो पार्टनरशिप 50 रन का पार्टनरशिप एकदम। तो खैर इस वर्ल्ड कप में वाकई में अच्छे फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में दिख भी रहे हैं। तो एडन मार्करम सारे बल्लेबाजों का सही योगदान लास्ट में, हालांकि लास्ट में कुछ समय लड़खड़ाई साउथ अफ्रीका और कोई भी टीम ना ओडीआई में आखिर तक अगर उनका शुरू के विकेट नहीं गिरते तो आखिर में जाकर लड़खड़ा सी जाती है कोई भी टीम, हमको आप देख लीजिएगा। तो वही हुआ, साउथ अफ्रीका टीम आखिर तक जाकर लड़खड़ाई, जहाँ स्कोर दिख रहा था 350 ही बने और 311 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम के 7 विकेट गिर जाते हैं। आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क सिर्फ एक रन देते हैं और 2 विकेट लेकर जाते हैं। और मिचेल स्टार्क ने दिखाया आखिरी ओवर में, शुरुआत के कुछ क्षण उनके लिए भी सही नहीं थे, विकेट्स नहीं मिल रहे थे उनको।
और उसके बाद इस लक्ष्य को चेंज करने आई ऑस्ट्रेलिया, हमको लगा कि यार ये स्कोर चेंज हो जाना चाहिए, कोई बड़ा स्कोर नहीं था जिस तरीके से यहाँ पे स्कोर बन रहे थे और चेंज हो रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श पे बहुत भरोसा भी था, लेकिन दोनों उतरते हैं बल्लेबाजी करने, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल होता है कुछ LVW को लेकर, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुकाबला वन साइडेड साउथ अफ्रीका अपने नाम कर लेती है। इस मुकाबले के बारे में मैं लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों से, हम सारे लोगों का शायद प्रिडिक्शन था साउथ अफ्रीका, और एक शिवम जी थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, वो इस वीडियो में अभी अवेलेबल नहीं है, फिर आगे कुछ वीडियो में वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनका प्रिडिक्शन था ऑस्ट्रेलिया और भरोसा था ऑस्ट्रेलिया टीम पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियन टीम थी, चैंपियन हमको भी थोड़ा कल लगा कि एक साथ समय ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। 311 रन यार, रन उतने ज़्यादा थे उतना नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से हम देखे थे पिच रिपोर्ट, पिच को जाकर तो मैं चेक नहीं किया ना, पिच रिपोर्ट देखा तो थोड़ा बहुत ग्रास था, लेकिन बैट पर बॉल आने वाले ग्रास थे, बाउंस सी पिच था, ऑस्ट्रेलिया को ये शूट करता है, और उतने टॉप क्लास गेंदबाज भी नहीं है साउथ अफ्रीका, आनरिक नोकिया नहीं है, और अच्छे अच्छे गेंदबाज अभी नहीं, हालांकि यानसेन और पिटाबाडा बहुत शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन उस इस ग्राउंड पर तेज गेंद फेंकने के लिए नोकिया की भी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन उनके मुकाबले आपके पास भी तो गेंदबाज थे, गेंदबाज तो साउथ अफ्रीका के पास भी थे और गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, तो दोनों टीमों ने गेंदबाजी की, लेकिन साउथ अफ्रीका मुकाबला जीत गई। ऑस्ट्रेलिया टीम पे सवाल है कि इतनी बैटिंग डेप्थ लेकर आप क्या कर रहे हैं, वहीं भारत को देखिए ना, बैटिंग डेप्थ नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। हालांकि एक मुकाबला उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ तो वो लो स्कोर मुकाबला हुआ, दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के अगेंस्ट फ्लैट विकेट पर हुआ, अगला मुकाबला भारत का पाकिस्तान से, वो भी अहमदाबाद में, और बता दें कि सुमन गिल पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और प्रैक्टिस करते नजर आए हैं, तो हो सकता है कि वो अपना अगला मुकाबला खेले, और हम उम्मीद भी करते हैं वो अगला मुकाबला खेले, क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप के मेन प्लेयर के तौर पर ये खेल रहे हैं, ना कि वो किसी, अगर शुरुआती मुकाबले खेल लेते तो हो सकता था कि वो, अभी भी हो सकता है कि वो टॉप रन गेटर हो सकते थे भारत के लिए, लेकिन हालांकि अभी रोहित शर्मा भी अच्छे फॉर्म में, विराट कोहली, भारत के सारे बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं, ईशान किशन ने भी कोई खराब नहीं किया था पिछले साल, लेकिन ईशान किशन के साथ अच्छी इनिंग खेलने का ड्रॉप होना उनके साथ हमेशा से होता है, और उससे कोई भारतीय फैंस को भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए शुभमन गिल भी प्लेस कर रहा है ईशान किशन को, कोई और नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनको ड्रॉप करके, ईशान किशन को यहाँ पे ड्रॉप करके आप अगर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर आते तो सवाल बन सकता था, लेकिन अभी कोई सवाल नहीं बनना चाहिए। अगला मुकाबला जो कि देखा जाए तो अगले मुकाबले पे आते हैं, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में मेरा भी फेवरेट न्यूजीलैंड है, हालांकि मुकाबला बहुत अच्छा होगा, मैं मेरे को पर्सनली लगता है बहुत अच्छा मुकाबला होगा, टॉप रन स्कोरर कौन हो सकता है आपके नज़र? हमें लगता है न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉन हो सकते हैं। आप? मेरे ख्याल से डेवन कॉन, मेरे ख्याल से रचिन रॉबिन, मेरे को लगता है डेवन कॉन, क्योंकि डेवन कॉन चेन्नई का ग्राम है, वहाँ पर बहुत अच्छी खेलते हैं डेवन कॉन में, स्पिन स्पिनर या फिर फास्टर बॉलर, इसमें आप सोचते हैं कोई क्या स्टोरी दिखेंगे आपको, मिच सेंटर और या फिर उधर से भी मेहदी हसन मिराज है, साकिब अल हसन है, उधर से मेहदी हसन मिराज, मेरे ख्याल से इधर से न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंटन और उधर से साकिब अल हसन, मेरे ख्याल से मैं फास्ट के साथ जाऊंगा ट्रेंट बोल्ट, मेरे ख्याल से बॉलिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से स्पिनर ही होंगे मिचेल सैंटनर और साकिब अल हसन बांग्लादेश की तरफ, साकिब अल हसन एक प्राइम गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, मेहदी हसन मिराज गेंद टर्न हल्का सा होता है, मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन दो बॉलर ये बात ध्यान दीजिएगा, और दोनों स्पिनर है, ये ना बोलिएगा बाद में कि मैंने मेहदी हसन को बोला था, मेहदी हसन मिराज को नहीं बोला था, आप दोनों मिराज की तरफ गए, मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ गया, आप मेहदी हसन मिराज के साथ गए, नहीं नहीं हाँ मेहदी हसन मिराज के साथ, और हम आपको बता दें कि मेहदी हसन मिराज के साथ सूरज जी गए और ये गए हैं साकिब अल हसन मिचेल सैंटनर और ये ट्रेंट बोल्ट के साथ गए, और मैं भी इनके साथ हूँ कि मिचेल सैंटनर और साकिब अल हसन,
तो हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं। हालांकि इसमें इसका पूरा प्रीव्यू पहले और दूसरे दोनों मुकाबले का दे दिए हैं और रिकॉर्ड्स की भरमार होती रहती है वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया टीम का पुराने सारे रिकॉर्ड्स वो अपने हाथों से तोड़ गए। तो इसी के साथ अपने वीडियोज को हम एंड करना चाहेंगे और मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।